नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और चलिए 20 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत से किस देश के लिए पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? तो ये चलेगी भारत से नेपाल के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये जो ट्रेन है, इसको 20 से 26 अक्टूबर के बीच में चलाया जाएगा। और इस ट्रेन के माध्यम से आप लुम्बिनी, यानी कि जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोधगया जहाँ पर ज्ञान को प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर जहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण यानी कि इनका निधन हुआ था, उन सभी स्थानों को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हाईटेक ट्रेन होगी और इसका किराया लगभग 2 लोगों के लिए 1 लाख के ऊपर है। अब भगवान बुद्ध की बात हुई है तो इनके जीवन से जुड़े हुए आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जान लेते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। जन्म स्थान इनका कहाँ पर है? कपिलवस्तु। बचपन का नाम इनके था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया और इनका पालन किया था महाप्रजापति ने। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। पत्नी इनकी थी यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था। अब जो इनके गृह त्याग की घटना है, इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इनका घोड़ा था कंथक और इनके सारथी का नाम था चन्ना। अब हम बात करेंगे इनके ज्ञान प्राप्ति के संबंध में। तो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ने के बाद में 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्थान है बिहार के बोधगया, ये स्थान है बोधगया में इनको प्राप्ति हुई थी। नदी का नाम है निलंजना और इसे शायद फाल्गु के नाम से भी जानते हैं। वृक्ष जिसके नीचे इन्हें ज्ञान को प्राप्ति हुई है वह है पीपल और इसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार का राजकीय वृक्ष भी है। और इस घटना को कहते हैं निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में परम सत्य। तो महापरिनिर्वाण और निर्वाण में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में और इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कुशीनगर में इनका निधन हुआ था। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और आज शाम को जो अभी हाल ही में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उनकी दूसरी सीरीज आएगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया गया? अब हमारे देश में वैसे होता है विधान मंडल और विधान मंडल के अंतर्गत होती हैं 2 सदन, एक तो होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। लेकिन भारत में अभी तक केवल 7 ही राज्य थे जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद थी। तो इनमें से एक राज्य की जो विधान परिषद है उसको समाप्त कर दिया गया है और वह राज्य है जम्मू कश्मीर। अब ये समाप्त क्यों किया गया है? क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में केवल विधानसभा होगी, लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगा। और विधान परिषद की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 7 थे, अब 6 हो जाएंगी। ये 6 कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और हमारे देश की संसद के पास अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या फिर वहां पर विधान परिषद की समाप्ति भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में किस देश द्वारा तुर्की द्वीप को लीज पर लेने के लिए एक समझौता किया गया? तो ये समझौता किया है चीन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब सोलोमन द्वीप जो कि एक देश है, इस द्वीप समूह का एक द्वीप है जिसका नाम है तुलगी द्वीप। तो तुलगी द्वीप को लीज पर ले लिया है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको किराए पर ले लिया है चीन ने। और अब इस द्वीप का वह जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उपयोग कर सकता है। राजधानी है सोलोमन द्वीप की होनियारा और यहाँ की मुद्रा है सोलोमन डॉलर। तो आइए मैप में देख लेते हैं सोलोमन द्वीप कहाँ पर है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है पापुआ न्यू गिनी और यहाँ पर जो ये आपको छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं यही है सोलोमन द्वीप और यहीं पर बीच में है तुलगी द्वीप। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है भारत का सार्वजनिक पोषण और एक अनुसंधान केंद्र है। ये जो स्टैंप है इसे कॉरपोरेट माई स्टैंप योजना के अंतर्गत जारी किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर हर्षवर्धन और ये है वो स्टैंप जिसे जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में
किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है गली बॉय को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और अंधाधुन, इन दोनों को इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। राजी को मिला है आईफा पुरस्कार। और गली बॉय इस बार नॉमिनेट हुई है किसके लिए? ऑस्कर अवार्ड के लिए 2020 में। और इसके साथ साथ उत्तराखंड के एक किसान की कहानी है और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है मोती बाग। तो मोती बाग किसके लिए नॉमिनेट हुई है? ये भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, ये नॉमिनेट हुई है बाफ्टा पुरस्कारों के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। गली बॉय का निर्देशन किया है जोया अख्तर ने और एशियन एकेडमिक क्रिएटिव अवार्ड्स में नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है जिसका नाम है दिल्ली क्राइम, इसे भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। तो ये है गली बॉय और इसमें आपने एक गाना जरूर सुना होगा, अपना टाइम आएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में भारत व अमेरिका के बीच दूसरे बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संवाद का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि अमेरिका का है, इसकी वैश्विक नवाचार नीति केंद्र है यानी कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है, और हमारे यहाँ पर जो फिक्की है इनके द्वारा इसका आयोजन, इनके बीच इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की अनुशंसा की गई है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नए नाम की जो अनुशंसा की गई है वे हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर वर्तमान में जो हमारे उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, तो इनका कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त होगा, यानी कि ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और उसके बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वही अगला मुख्य न्यायाधीश बनता है। ये प्रक्रिया कई समय से चली आ रही है और यहाँ पर जो इनके नियुक्ति का प्रोसेस है क्या होता है कि जो भी चीफ जस्टिस होता है कार्यरत, जैसे कि इस समय रंजन गोगोई जी हैं, तो इनके द्वारा जो नया CJI होगा यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, इसके नाम की अनुशंसा की जाएगी विधि मंत्री के पास। विधि मंत्री अपनी रिपोर्ट देगा प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सलाह करेंगे, बाद में फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो प्रोसेस ये सब है, बाकी जो वरिष्ठ होता है उसी की नियुक्ति होती है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कितने सामुदायिक दुर्गा पूजा को विभिन्न श्रेणियों में विश्व बांग्ला सरस सम्मान दिया गया? तो ये मिला है कुल मिलाकर के 79 यानी कि 79 सामुदायिक दुर्गा पूजा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यहाँ की जो CM है ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। ये अभी परीक्षा में पूछा गया था। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है और यूनेस्को के द्वारा इसे अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है, यानी कि इनटेंजिबल हेरिटेज। अमूर्त विरासत का मतलब होता है ऐसे स्मारक या ऐसे चीज़ें जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से कुंभ मेले को भी दर्जा दिया है अमूर्त विरासत का, उसी प्रकार से दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकार 2019 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इस सूची में रहा है तीसरे स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये मुख्य रूप से जो रिपोर्ट है उन कंपनियों के बारे में है, यानी कि उन स्टार्टअप के बारे में है जो 2000 के दशक में शुरू हुई थी, यानी कि 2000 के बाद से शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक ये सार्वजनिक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है। तो पहले स्थान पे है चीन, दूसरे पे है USA, दोनों के पास में 203 ऐसी कंपनियां हैं और भारत के पास है 21 यूनिकॉर्न कंपनी। तो इसमें भारत तीसरे नंबर पे है और भारत की जो 197 है जो कि पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पेटीएम की, ये भारत में सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार कालिदास कर्मकार का निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो ये थे बांग्लादेश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई, यानी कि MSME के लिए शुरू की गई है और ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
इस योजना का नाम क्या है? तो नाम आपको याद रखना है YSR नवोदयम, और इनकी जितनी भी योजना होती है उनमें लगभग आपको YSR मिल जाएगा। तो एग्जाम में अगर आपके सामने कोई भी ऐसा प्रश्न आता है जिसमें YSR शब्द जुड़ा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो MSME जो इनके यहाँ पर उद्योग हैं, इनको 31 मार्च 2020 से पहले अपने ऋण का पुनर्गठन करना है और इसके संबंध में वित्तीय सहायता दी जाएगी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसके माध्यम से जो भी 80,000 के आसपास MSMEs हैं, यानी कि जिनका टर्नओवर 25 करोड़ से कम है, उन सभी को अधिक वित्तीय सहायता दी जाएगी और उन्हें अपना ऋण जमा करने के लिए ज़्यादा समय भी दिया जाएगा। कुछ अन्य योजनाएं जो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, YSR कांति बेलगु, जिसमें पूरे राज्य के लोगों का निःशुल्क आंखों की जांच की जाएगी। YSR वाहन मित्र, जिसके अंतर्गत जो भी वाहन चालक हैं उनको प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी 5 वर्षों तक। और YSR रायतु भरोसा, इसके अंतर्गत किसानों को 13,500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया प्रमुख या महानिदेशक बनाया गया? तो ये बनाया गया है अनूप कुमार सिंह को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनकी जो नियुक्ति है वह कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की गई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे PM, और ये स्थान लेंगे सुदीप लखटकिया का। हालांकि ये लगभग 2 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो 2 महीने से ये जो सीट है वो वैकेंट थी। तो अब इस पर नियुक्ति हो गई है अनूप कुमार सिंह की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार आपने सुना होगा अमृतसर में हुआ था, तो उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसे ब्लैक कैट्स कमांडो के नाम से भी जानते हैं। तो ये है अनूप कुमार सिंह और ये होते हैं NSG के कमांडो। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में कौन सी IPL टीम महिला स्पोर्ट स्टाफ नियुक्त करने वाली पहली टीम बनी है? तो इस टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर नवनीता गौतम, जिन्हें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने स्पोर्ट्स मसाज थेरेपिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान कौन है? तो इनका नाम है विराट कोहली, जो कि वर्तमान में भारतीय टीम के भी कप्तान। इसके अलावा आपको नीचे 3 अन्य IPL टीमें भी दिख रही होंगी, किंग्स इलेवन पंजाब, तो अभी अनिल कुंबले इसके नए कोच बने हैं। सनराइजर हैदराबाद के कोच बने हैं ट्रेवर बेलिस, जो कि इंग्लैंड टीम के कोच थे, और मुंबई इंडियन, ये इस बार की IPL विजेता थी और इसने IPL का अपना 4th खिताब जीता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अभी तक कोई भी खिताब नहीं जीता है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने किस राज्य के साथ एक IT पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता किया गया है गोवा राज्य के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अभी एक समिट हुआ 17 से लेकर के 19 के बीच में, यानी कि कल तक ये चला था, जिसका नाम है वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो व समिट। तो इसी के दौरान इस पर समझौता हुआ है और इसके माध्यम से, यानी कि जो ये IT पार्क बनेगा, जो भी स्टार्टअप होंगे और जो भी IT सेक्टर से जुड़े हुए उद्योग होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा गोवा के बारे में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि बिजली विभाग के द्वारा जो बिल होते हैं उन सभी को ऑनलाइन भुगतान के लिए इसने HDFC बैंक के साथ में समझौता किया है। गोवा के वर्तमान में CM कौन है? प्रमोद सावंत, ये भी अभी पूछा गया था, और यहाँ की जो गवर्नर हैं उनका नाम है मृदुला सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वें परमाणु ऊर्जा संगोष्ठी यानी कि एटॉमिक एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो हमारे जो परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ, और ये जो परमाणु ऊर्जा संगोष्ठी है इसका आयोजन एनर्जी इंडिया फोरम के द्वारा किया गया। अब थीम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थीम इसकी है इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर इनोवेशन टुवर्ड सेफर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है या जो अर्थशास्त्र है न्यूक्लियर पावर का, और इसको किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से हम सुरक्षित और कम खर्चे के तकनीकों की तरफ ले जा सकें। अगला प्रश्न है, 18 अक्टूबर को क्रिस्टीना कोच व जेसिका मीर स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला जोड़ी बनी है,
तो ये किस देश से हैं? तो ये दोनों हैं यूएसए से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में स्पेस वॉक भी पूछा जा सकता है या फिर ईबीए भी पूछा जा सकता है। अभी एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था ईबीए, ईबीए किस से संबंधित है? तो ईबीए संबंधित होता है स्पेस वॉक से। ईबीए का मतलब है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। तो ये दोनों नासा की एस्ट्रोनॉट थी और आईएसएस के बाहर इन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया है। स्पेस वॉक का मतलब क्या होता है कि जो ट्यूब होता है जिसमें ये लोग रहते हैं उससे बाहर आके अंतरिक्ष में थोड़ा सा इधर उधर चलना। हालांकि ये उस दौरान एक किसी सिस्टम से जुड़े होते हैं, ये एकदम फ्री वहां पर मूव नहीं करते हैं। पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अलेक्सी लियोनोव, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने हाल ही में डिस्कस किया था। ये रूस के हैं, 1965 में इन्होंने किया था और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। पहली महिला की बात करें जिसने स्पेस में स्पेस वॉक किया था, तो ये है स्वेतलाना सावित्स्काया, जो कि यूएसएसआर की थी। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो ये है क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर। अगला प्रश्न है, एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो भारत को यहाँ पर मिले कुल 21 पदक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आयोजन इसका किया गया यूएई के फुजैराह में, कुल 26 देशों ने इसमें भाग लिया। भारत को 21 पदक मिले हैं जिसमें 6 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 6 इसमें कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है, 7वीं मिलिट्री वर्ल्ड गेम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है चीन के शहर वुहान में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक चीज आपको और याद रखनी है, एका तीरन वर्ग यहां पर हुआ था विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन, और जो बियारिट्स फ्रांस का है यहां पर G7 का समिट हुआ था इस वर्ष, और नूर सुल्तान में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। 7th मिलिट्री वर्ल्ड गेम है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, और वुहान वही स्थान है जहां पर भारत और चीन के बीच में पहला अनौपचारिक सम्मेलन भी हुआ था, और दूसरा कहां पर हुआ? मामल्लपुरम तमिलनाडु में। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल द्वारा 2022 में किस देश में 91वें सामान्य सभा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि जनरल असेंबली का आयोजन किया जाएगा? तो ये होगा भारत में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हुआ क्या था कि अगस्त महीने में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह और महासचिव जो हैं जुगरेन स्टॉक, इन दोनों की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद में अब जाकर के इंटरपोल ने ये घोषणा की है कि 2022 में जो 91वां सम्मान सभा होगा ये आयोजित होगा भारत में। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, 1997 में इससे पहले भारत में आयोजन हो चुका है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1923 में, तब इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। बाद में 1946 में इसका नाम बदल दिया गया। मुख्यालय इसका है ल्योन स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट इसके हैं किम जोंग योंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किस देश को उसकी जो ग्रे लिस्ट की स्थिति थी उसको बरकरार रखा गया है? तो ये देश है पाकिस्तान, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी इस लिस्ट में था, लेकिन श्रीलंका को यहाँ पर FATF ने बाहर कर दिया है। ग्रे लिस्ट में जो भी देश शामिल होते हैं या फिर ब्लैक लिस्ट में जब शामिल हो जाते हैं, तो इन देशों को जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होते हैं, जैसे कि विश्व बैंक की बात कर लें या फिर हम IMF की बात कर लें, तो वह जो संस्थाएं होती हैं इनको आसानी से लोन नहीं देती हैं। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना 1989 में हुई थी इसकी G7 कंट्रीज के द्वारा। मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और प्रेसिडेंट इसके हैं जिंगामिन लियू। तो ये कहाँ के हैं? चीन के, और शायद इसीलिए पाकिस्तान को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में नहीं रखा गया है। सदस्य देशों की संख्या 39, और अभी हाल ही में जो इसका 39वां सदस्य बना है वह है सऊदी अरब। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। कल के प्रश्नों के आइए उत्तर देख लेते हैं। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डफलो, जिन्हें इस वर्ष इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इन दोनों के साथ में तीसरे व्यक्ति कौन हैं? माइकल क्रेमर, इनको भी पुरस्कार मिला है। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में खुलेगा? तो ये खुलेगा UAE में। चिनानी नासरी सुरंग, जो कि NH-44 पे है जम्मू कश्मीर में, यह किस देश में नहीं होगा, किसके नाम पे रखा गया है? तो ये है जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। टीम कैशलेस इंडिया
पहल किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है मास्टर कार्ड के द्वारा। और मास्टर कार्ड ने भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें माही उपनाम से भी जाना जाता है, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ब्लू स्टार ने किसको बनाया है, इन्होंने बनाया है वर्तमान कप्तान विराट कोहली को। टैक्सी बोर्ड का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है, एयर इंडिया। अब चलिए आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। रायतू भरोसा किस राज्य की योजना है। माइंड मास्टर इस पुस्तक के लेखक कौन है। ईस्टर्न ब्रिज 5 सैन्य अभ्यास भारत व अन्य किस देश के बीच में आयोजित होगा। और भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में दूसरे स्थान पर कौन राज्य है, ध्यान रखिएगा पहले स्थान की बात नहीं हो रही है, दूसरे स्थान पर कौन राज्य है इसके बारे में आपको बताना है। तो आज शाम का वीडियो आप जरूर देखिएगा और कल से शाम को रोज एक नई सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग जो भी अवार्ड मिले हैं अभी पिछले 3 महीनों में, या जो भी खेल के इवेंट हुए हैं, या जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं, इन सभी चीज़ों को, रैंकिंग हो गया, संयुक्त अभ्यास हो गया, इन सभी को हम लोग अगले हफ्ते में पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद जय भारत, और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।